बरेली के फरीदपुर से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। यहां फरीदपुर के सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत आशा वर्कर और आशा संगनी भड़क गई और जमकर नारेबाजी करने लगी। डॉक्टर अनुराग गौतम को ज्ञापन सौंपते हुए आशा वर्कर और आशा संगनियों की जिलाध्यक्ष शिववती साहू और जिला महामंत्री जयश्री गंगवार, जिला सचिव ऋचा शर्मा ने कहा कि उन्हें पिछले 21 महीने से 750 और पिछले 10 महीने से 1500 रुपये का मानदेय देने का वादा किया था, जिसे नहीं दिया जा रहा है। ऐसी महंगाई में हम लोगों का जीवन यापन कैसे हो, महिला कर्मचारियों ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। एक साल से जितने अभियान हो रहे हैं उसका कोई भी पैसा नहीं पड़ा गया है और ये लोग बहुत परेशान हैं, अपने रोज भागते हैं लेकिन कोई पैसे की उम्मीद नहीं है। 750 वाला 21 महीने का हो गया हम लोगों का, लेकिन वो भी नहीं पड़ा है। हमने इनको बुलाया है, जिसमें आपने कोई ज्ञापन दिया है क्या किसी को? हम लोगों ने अपना ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में क्या लिखा है आपने? ज्ञापन में 21 महीने से भुगतान नहीं हुआ है, 750 वाला अब वो 1500 हो गया है, लेकिन हमारे लिए कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। हम लोग बहुत परेशान है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात सरकार या मीडिया में हर तरफ फैलाएंगे और बताएंगे। लगभग एक आशा का कितना रुपये बकाया है? आशा का तो लगभग 35-40 हज़ार रुपये होगा, कुछ का मिला है, और आशा संगनी का 70 हज़ार रुपये हम लोगों का बैठ रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों का पैसा भी काटा जा रहा है। अब पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन तक पैसा बढ़ जाएगा आपका, और अगर मैंने कहा सर जी 2 दिन तक नहीं, मैं शाम को आप CMO साहब से बात करती हूँ, अगर हमारी बहनों का पैसा आ रहा है तब तो हम संचारी करवाएंगे, नहीं तो संचारी हम 15 इलाकों में रोक देंगे, हम संचारी नहीं करवाएंगे। तो उस पर डॉक्टर साहब ने क्या बोला है सर? डॉक्टर साहब बोले आप मुझे समय बता दीजिएगा जैसा भी हो। तो मैंने कहा ठीक है सर जी, हम आपको फ़ोन करके बता देंगे, अगर हमें कार्य करना है तो करवाएंगे अपनी बहनों से। और फिलहाल में मैं तो कार्य जब तक नहीं करवाऊँगी जब तक मेरी 15 इलाकों में टोटल पैसा नहीं आता। एक डिलीवरी है, टीकाकरण है, और आशाओं वो हमारी गर्भवती की जाँचें वगैरह, ये कार्यों को मैंने अपनी बहनों से कहा ये कार्य करें, क्योंकि हमारी पब्लिक का लॉस होगा इसमें, लेकिन संचारी ये फालतू के काम हम नहीं करवाएंगे जब तक हमें पेमेंट नहीं मिलता। तो जब तक फिलहाल में जब तक 21 महीने का टोटल मोटिव हमारा 21 महीने के पैसे थे 750 वाला, जब हमारा पहले 750 वाला था वो नहीं दिया, अब जनवरी से इधर हमारा 1500 बना दिया है, वो भी नहीं मिल रहा है। हमारा पोस्ट वाला, फाइलेरिया वाला, मलेरिया वाला, सारे प्रोग्राम अनाप शनाप करवाते रहते हैं हमारी आशाओं से, कि लगातार कार्य हर महीने नए पे नए कार्य देते रहते हैं और उसको आश्वासन देते रहते हैं कि आपका पैसा आ जाएगा, आप कार्य करें। पोलियो करा था तब हम भूख हड़ताल पे बैठ गए थे हम लोग, तो CMO साहब ने हमारे उठा दिया कि 2 दिन के अंदर आपका पैसा आ जाएगा, लेकिन हम उठ गए अपनी इंसानियत से, मानवता, हमने कहा चलो एक पोलियो में हमारे बच्चे भी छूट जाते हैं, पोलियो में हमारे बच्चे भी छूट जाते हैं, तो हम इस चीज़ को मतलब ना बंद करें। पोलियो हमने करवा दिया, अभी तक हमारे कान उनके अधिकारियों के कान पे जू नहीं देगा। अरे खर्चा पानी कुछ मत पूछो, ना बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, हमें अपने दैनिक कार्यों में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, और अगर इस पैसे के लिए ज़्यादा सोर्स कहा जाता है, बार बार कहते हैं तो हमारी आशा बहनों का शोषण किया जाता है, उन्हें बार बार डांट के भगाया जाता है, क्या हम किसी से कर्ज मांग रहे हैं, अपना पैसा ही तो मांग रहे हैं। तो इस पर डॉक्टर साहब ने कहा क्या है आपसे? डॉक्टर साहब ने क्या कहा, आश्वासन दे दिया 2-4 दिन में पड़ जाएगा, लेकिन ये 2-4 दिन कर करके पूरे पूरे महीने 21 महीने बीत चुके हैं। अगर 2-4 दिन में नहीं पड़ता तो आप लोग क्या करेंगे? 2-4 दिन में नहीं पड़ता हम कार्य को रोक देंगे, और ऊपर से रोड पे आने के लिए मजबूर ये लोग खुद कर रहे हैं।